दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय ने कोलकाता की कंपनी से संबंधित हवाला लेन देन के मामले में सत्येंद्र कुमार जैन, पूनम जैन और उनके सहयोगियों के घरों में छापेमारी की, जिसके बाद ईडी को 2.82 करोड़ रुपए की नगद राशि और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के मिले। वहीं मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी में राम प्रकाश ज्वेलर्स से 2.23 करोड़ रुपए मिले हैं और जीएस मथारू से 20 लाख रुपए और वैभव जैन से 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं। क्या है पूरा मामला, कैसे सत्येंद्र जैन इस मामले में फंस गए, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। सत्येंद्र जैन के ऊपर अपने परिवार के साथ मिलकर जांच एजेंसी द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी को गुमराह करने के भी आरोप लगे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सत्येंद्र जैन की पत्नी और दो बेटियों को सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनी से कारोबार की आड़ में करोड़ों रुपए भी मिले हैं, ये भी बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सत्येंद्र कुमार जैन, उनके परिवार और दोस्तों का दिल्ली की 4 कंपनी में नियंत्रण और हिस्सेदारी रही है। दिल्ली सरकार का हिस्सा बनने से पहले जैन 4 में से 3 फर्म्स के निवेशकों में से एक थे। हालांकि सरकारी काम से जुड़ने के बाद भी उनके परिवार के सदस्यों के पास 4 कंपनी के शेयर मौजूद रहे थे। जांच रिपोर्ट्स के अनुसार कथित रूप से इन कंपनियों ने 2011 से 2016 के दौरान 16.4 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग किया है, जिसमें 2015 से 2016 में 4.61 करोड़ रुपए शामिल हैं, जबकि जैन एक पब्लिक सर्वेंट थे। ये पैसा सत्येंद्र कुमार जैन, उनके परिवार के सदस्य और उनके व्यापारिक सहयोगी अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन के परिवारों के ही हैं। जांच एजेंसियों का ये भी कहना है कि अपने पत्नी के जरिए सत्येंद्र कुमार जैन पब्लिक सर्वेंट रहते हुए भी इन कंपनीज के टच में लगातार बने रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि मार्च 2016 में मंगलतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के 1.5 लाख शेयर सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम ने कोलकाता की एक शेल कंपनी को 15 लाख रुपए में बेचे थे। जांच एजेंसी के अनुसार इसमें सत्येंद्र जैन और कोलकाता के शेल कंपनी के बीच रिलेशंस भी रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सत्येंद्र कुमार जैन की बेटियों के खाते में भी पैसों का लेन देन है, जबकि उनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं रहा है। हालांकि अगर पार्टी की बात करें, राजनीति की बात करें, तो आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि ये सब कुछ एक पॉलिटिकल स्टंट है और अगला नाम जो है वो भी आपके किसी नेता का ही होगा। मामला चाहे जो भी हो, जो भी अपडेट होगा अनकट के ऑडियंस तक ये लगातार पहुंचता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपने राय को कॉमेंट में जरूर कॉमेंट करिएगा। मैं भी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।